વેલકમ બેક. સાંસદ રાધેશ ચુડાસમાએ માછીમારો મામલે રજૂઆત કરી. ગુજરાતના માછીમારો પાકિસ્તાની જેલમાં બંધ છે. 3 વર્ષથી પાકિસ્તાની જેલમાં આ માછીમારો બંધ છે. 271 જેટલા માછીમારો પાકિસ્તાની જેલમાં બંધ હોવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને આ માછીમારોને છોડાવવા માટે કાર્યવાહી કરવાની પણ તેમણે માંગ કરી છે. अध्यक्ष महोदय, आज मैं सदन के माध्यम से उन मछुआरों की दयनीय स्थिति को बताना चाहता हूं कि पिछले 3 वर्षों के अधिक समय से पाकिस्तानी की जेल में बंद है. गुजरात के लगभग 271 मछुआरों ने मछुआरे जिनमें ज्यादातर मेरे मत क्षेत्र गिर सोमनाथ के हैं, वो पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से पाकिस्तान में बंदी बनाकर रखा है. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार नेतृत्व में सरकार के निरंतर प्रयासों के उपरांत पाकिस्तान सरकार ने पिछले 5 वर्षों के दौरान मछुआरों को जेल से रिहा किया गया है, लेकिन इन मछुआरों को पाकिस्तान से रिहा नहीं किया गया. उपर्युक्त विचार को ध्यान में रखते हुए मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जेल से इन 271 मछुआरों की शीघ्र रिहाई के लिए कृपया कार्यवाही की जाए. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं जानकारी और अवलोकन के लिए गिरफ्तार मछुआरों की सूची संलग्न करना चाहता हूं. તો આ તરફ સુરતથી સાંસદ દર્શન જરદોશીએ લોકસભામાં રજૂઆત કરી. ગુજરાતીમાં સંબોધન કરવા માટે પરવાનગી આપી તે બદલ આભાર તેમણે વ્યક્ત કર્યો. સુરતના વેપાર મામલે સાંસદે રજૂઆત કરી. મગદલા પોર્ટને બળ મળશે. મેજર પોર્ટ ઓથોરિટી બિલનો પ્રસ્તાવ પણ તેમણે સંસદમાં મૂક્યો છે. सूरत व्यापार के लिए एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है. सभी राज्यों और अन्य देशों से यहाँ व्यापार हो रहा है. सूरत का इतिहास पुराना है. गुजराती में कहावत है, वैसे तो 2 दिन से आप गुजराती में बोलने की इजाजत देते थे तो 84 बंदर ना वाउटा सूरत पर फरकता था. इट मीन्स के 84 पोर्ट से वहाँ बिजनेस होता था और जिनसे बिजनेस होता था उनके फ्लैग वहाँ पे लगे हुए थे. और पुराने किले में ये सब इतिहास उपलब्ध है, जहाँ पोर्टुगल की कोठी भी है, अंग्रेजों ने भी शासन किया, मुगल सराय भी है. यहाँ तेजाना, मरी मसाला, सच्चे मोतियों का व्यापार होता था. सूरत के वाड़िया बंधु उस जमाने में शिप बनाते थे जो खरीदने के लिए देश विदेश से लोग आते थे. शिवाजी महाराज की नौसेना भी यहाँ तैनात रहती थी. ऐसा पुराना बंदरगाह की वजह से सूरत बड़ा व्यापार क्षेत्र बना. आज भी सूरत के पास हजीरा में बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है. ऐसे शहर में ऐसा अदानी के प्राइवेट पोर्ट से व्यापार होता है. डायमंड का सबसे बड़ा हीरा बुर्ज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सूरत में बनने जा रहा है, NTPC, ONGC, रिलायंस, SR अदानी जैसे बड़े उद्योगों के लिए यहाँ बहुत बड़ी नए पोर्ट की संभावना है. हमारा पुराना मगदला पोर्ट जिसको यह बिल से बल मिलेगा, और मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि इस डेवलपमेंट के लिए आप जो बिल लाए हैं इससे हम आपके आभारी हैं. તો મનસુખ માંડવિયાએ પણ પોર્ટ મામલે સંસદમાં રજૂઆત કરી. પોર્ટની સ્વાયત્તા મામલે તેમણે રજૂઆત કરી. ભારતના પોર્ટને સૌથી સારી સુવિધાવાળા બનાવવા છે. વિશ્વના પોર્ટ અને ભારતના પોર્ટ હરીફાઈ કરી શકશે. મેજર પોર્ટ ઓથોરિટી બિલનો તેમણે સદનમાં પ્રસ્તાવ પણ મૂક્યો છે. समय समय के साथ बदलने के लिए हमारे पोर्ट सेक्टर को वर्ल्ड के पोर्ट सेक्टर की कंपटीशन करने के लिए, वर्ल्ड के पोर्ट है उसकी कंपटीशन हमारे पोर्ट भी कर सके, प्राइवेट पोर्ट और मेजर पोर्ट भी आपस में कंपटीशन कर सके, बेस्ट प्रैक्टिस कर सके, उस उद्देश्य से पोर्ट सेक्टर में मेजर पोर्ट में मेजर पोर्ट को स्वायत्तता देने के लिए, मेजर पोर्ट की एक्टिविटी को स्मूथ करने के लिए, उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मैं मेजर पोर्ट ऑथोरिटी बिल लेके आया हूँ. मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन उसके ऊपर विचार करें.